अतिवाद एक हथियार है, जाति एक षडयंत्र का है, समाज को बांटने का सबसे बड़ा हथियार है। तो जातिवादी लोग जो जाति को मेंटेन किए रखना चाहते हैं वर्ण व्यवस्था के माध्यम से, उसमें इस सरकार पर एक आरोप लगता है कि ये सरकार पूंजीपतियों के हित में सोचती है, पूंजीपतियों की सरकार बनती जा रही है। इस आरोप में कहां किस हद तक सच्चाई है? ये 100% नहीं, 2-4 लाख% सच है। वो संविधान को लोग ग्रंथ मान लिए, कानून का स्रोत मान लिए, कानून को व्याख्या करने का आधार मान लिए, लेकिन संविधान को एक व्यवस्था नहीं माने। भारतीय संविधान एक व्यवस्था होने लगा। तो जब शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन होगा तो वहीं से असमानता पैदा हो जाएगी। अच्छे घरों के बच्चे, मैंने पैसे वाले घरों के बच्चे, साधन संपन्न घरों के बच्चे, वो बढ़िया बढ़िया स्कूल में पढ़ेंगे, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ेंगे, इंटरनेशनल नेशनल स्कूल में पढ़ेंगे, और गरीब घर का बच्चा जो है वो छोटे छोटे गांव के स्कूल में पढ़े, ताकि जो माँ जो है ना कहते हैं गोद में बच्चा 2-2.5 साल का हो जाए तो सुबह उठे तो वो पेप्सी या कोको कोला मांगे, दूध न मांगे। विज्ञापन का इतना असर होता है और ये बात स्थापित। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। मेरे साथ सुबचन राम साहब हैं, आप प्रधान आयकर आयुक्त रहे हैं, यानी कि रिटायर्ड IRS ऑफिसर हैं, बेहद महत्वपूर्ण पद पर रहे, तो स्वाभाविक तौर पर इतना तो कहा जा सकता है कि उनको आमदनी से संबंधित पूरी जानकारी है। तो मैं सर से ये समझने की कोशिश करता हूँ, क्या वजह है रिटायरमेंट के बाद? आप चाहते तो घर में आराम कर सकते थे, लेकिन आप पूरा उत्तर प्रदेश टहल रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, क्या वजह है? पहला उद्देश्य है कि हमारा देश आज़ादी के बाद ही एक राजनीतिक और सांस्कृतिक षड्यंत्र का शिकार है। बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने जो संविधान बनाई, वो संविधान को लोग ग्रंथ मान लिए, कानून का स्रोत मान लिए, कानून को व्याख्या करने का आधार मान लिए, लेकिन संविधान को एक व्यवस्था नहीं माने। भारतीय संविधान एक व्यवस्था है, बिल्कुल पुरानी व्यवस्था को रिजेक्ट करता है और नई वैज्ञानिक कह लीजिए, सामाजिक कह लीजिए, आर्थिक राजनीतिक सारी चीजों को मिलाकर एक व्यवस्था बनाई, वो व्यवस्था अभी तक लागू नहीं है। इसलिए पूरे देश को जागरूक करने की जरूरत पड़ती है और हम लोग घरों से बाहर निकल के संवैधानिक व्यवस्था की सही जानकारी देते हैं। जैसे भारत के संविधान में ये राज्य को आदेश दिया गया है, निर्देश दिया गया है कि ऐसी व्यवस्था बनाओ ताकि धन का केंद्रीकरण कुछ हाथों में न हो जाए, नहीं तो वो जनहित के विपरीत जाएगा। लेकिन हो तो यही रहा है। अब जो भारत के संविधान में ऐसी व्यवस्था की गई है उसके जस्ट विपरीत करने के बाद क्या हुए, इसका मतलब कि भारत के संविधान को लोग खंडित कर रहे हैं। उसके अलावा दूसरा अपराध हो रहा है कि संविधान की दूसरी जो व्यवस्था है, ठीक है, कि राज्य की जिम्मेदारी होती है कि शैक्षणिक रूप से आर्थिक रूप से जो पिछड़ा वर्ग है, ठीक है, उसको सबके बराबर लाने के लिए राज्य की जवाबदारी जिम्मेदारी तय की गई कि ऐसा करो। तो पता चला कि शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन होने लगा। तो जब शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन होगा तो वहीं से असमानता पैदा हो जाएगी। अच्छे घरों के बच्चे, मैंने पैसे वाले घरों के बच्चे, साधन संपन्न घरों के बच्चे, वो बढ़िया बढ़िया स्कूल में पढ़ेंगे, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ेंगे, इंटरनेशनल नेशनल स्कूल में पढ़ेंगे, और गरीब घर का बच्चा जो है वो छोटे छोटे गांव के स्कूल में पढ़ेगा जहां छत भी नहीं होगा, होगा भी तो टीचर्स भी नहीं होंगे, टीचर्स होंगे तो एक होंगे, उससे ही असमानता बढ़ जाती है। तो संविधान की जो व्यवस्था है एक नहीं है, ऐसे हमने 100 लिस्ट बनाई हुई है, मैं बाद में बता दूंगा कि ये संवैधानिक व्यवस्था है, उसके विपरीत ये हो रहा है। तो जागरण पैदा करना, जागृति पैदा करना सिर्फ आम आदमी के लिए नहीं, बल्कि वैधानिक रूप से जो सर्वोच्च पद पर लोग उनको भी जानने, इसलिए हम लोग घरों से बाहर निकले हैं। सर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, चूंकि आप इनकम टैक्स में कमिश्नर रहे हैं, लगातार इस सरकार पर एक आरोप लगता है कि ये सरकार पूंजीपतियों के हित में सोचती है, पूंजीपतियों की सरकार बनती जा रही है। इस आरोप में कहां किस हद तक सच्चाई है? ये 100% नहीं, 2-4 लाख% सच है। अच्छा। इसका कारण है कि जो वर्तमान सरकार है, चाहे उत्तर प्रदेश में हो चाहे केंद्र सरकार में, हमने गहराई से देखी है जो भी है, मूल बात यह है कि वो राइटिस्ट कहते हैं अपने को, भारतीय जनता पार्टी के लोग, साफ साफ बोलता हूँ, तो अपने को दक्षिणपंथी कहते हैं। तो कैपिटलिज्म जो है वो उनका पहला उद्देश्य है। भारत का संविधान सामाजिक अर्थव्यवस्था की बात करता है, स्टेट कैपिटलिज्म की बात करता है, सोशलिज्म की बात करता है, सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी की बात करता है, डेमोक्रेटिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी की बात करता है। इसके विपरीत वर्तमान सरकारें और भी सरकारें जो रही हैं, जिनको पूरा ज्ञान नहीं है भारत के संविधान का या उसका दुरुपयोग करना चाहते हैं,
तो उन्होंने भारत के पूरे अर्थव्यवस्था को, अर्थतंत्र को वो पूंजीवाद की तरफ ढकेलना शुरू कर दिया। ये देश हित में कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि वास्तव में देश की संपत्ति कुछ चुनिंदा हाथों में समेट रही है। वो तो पूरा जाहिर है, पूरी लिस्ट ही है। हाँ, ऐसी लिस्ट जो है मेरे पास जो है 42 ऐसे जो है PSU हैं, जिनको जो डिसअरेंजमेंट के नाम पर या जिस बेचने के नाम पर हो गया। तो लोकतंत्र के लिए तो बहुत खतरनाक बात है, लोकतंत्र के लिए भी खतरनाक है, भारत के संविधान के खिलाफ है। और उसके बाद जो 1 करोड़ 142 करोड़ जिसको कहा जाता है 135 करोड़ लोग हैं, उसमें से कम 70 करोड़ लोग डायरेक्ट अफेक्टेड हैं इस तरह की व्यवस्था से। ये देश हित में हो ही नहीं सकता। आपने 70 करोड़ लोग अफेक्टेड बता दिए, यहाँ ये कौन सी घुट्टी पिला दी गई है? कह रहे हैं कि पेट्रोल डीजल कितना महंगा हो जाए लेकिन वोट यही देंगे, कौन सी घुट्टी पी ली है ऐसे लोगों ने? ये सब देखिए प्रचार और अफवाह, इसमें बड़ी ताकत होती है। जैसे विज्ञापन है, जब पेप्सी और कोको कोला इंडिया में आया था तो फैक्ट्री बननी थी 65 करोड़ की, तो पता लगा कि फैक्ट्री बननी 15 करोड़ रुपया में और बाकी 40 करोड़ रुपया रखा गया था, 50 करोड़ रुपया रखा गया था प्रचार के लिए। तो भारत का ही एक जो CEO थे उन्होंने इस बात को बोला कि बहुत गलत हो रहा है, इतना बड़ा विज्ञापन पर खर्च करने से कोई फायदा नहीं है, फैक्ट्री बड़ी होनी चाहिए, इम्प्लॉयमेंट बड़ा होना चाहिए। तो उसके बड़े CEO जो अमेरिकन थे उन्होंने बुलाया, उन्होंने कि बैठ, तुम्हें समझ में नहीं आएगा, फैक्ट्री जो है 10-20 करोड़ की होनी चाहिए और विज्ञापन पर जो है उसका 80% होना चाहिए, ताकि जो माँ जो है ना कहते हैं गोद में बच्चा 2-2.5 साल का हो जाए तो सुबह उठे तो वो पेप्सी या कोको कोला मांगे, दूध न मांगे। विज्ञापन का इतना असर होता है और ये बात स्थापित हो गई। पहले के जमाने में जब शादियां होती थी तो उसमें कोको कोला पेप्सी ना आए तो लोग मानते थे VIP ट्रीटमेंट दिया ही नहीं गया। तो विज्ञापन का है, आज भी विज्ञापन पर ब्रांडिंग मार्केटिंग की सरकार है, बहुत ब्रांडिंग मार्केटिंग की खूब सरकार है। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये है सर कि जब जातिवाद के विरोध की बात करते हैं, तमाम मंचों से मैंने देखा ऐसा लगता है कि पूर्ववर्ती सरकारें रहीं उन्होंने सामाजिक न्याय का पालन उतने ठीक ढंग से नहीं किया जिसको BJP भुना रही है। नेचुरल देखिए, जातिवाद एक हथियार है, जाति एक षड्यंत्र का है, समाज को बांटने का सबसे बड़ा हथियार है। तो जातिवादी लोग जो जाति को मेंटेन किए रखना चाहते हैं वर्ण व्यवस्था के माध्यम से, उसमें उनकी संस्कृति छुपी हुई है, उनका जो है पूरा का पूरा षड्यंत्र छुपा हुआ है, पूरा का पूरा जो है उसमें एक समाज को डोमिनेट करना और दूसरे को डोमिनेटेड करना, इसकी षड्यंत्र छुपा हुआ है, तो उसको लोग मेंटेन कर रहे हैं। और पूर्ववर्ती सरकारों ने इस चीज को गहराई से नहीं समझा कि जाति के जड़ को कैसे खत्म किया जाए और जाति को समाज में कैसे परिवर्तित किया, नहीं हो पाया था जी। एक आरोप ये भी है कि कांसीराम साहब ने जाति के तमाम नेता तैयार किए थे, BJP ने जाति की पार्टियां बनवा दी। हाँ, वो बहुत ये षड्यंत्र होता है, शासक वर्ग हमेशा जो है षड्यंत्र करता है कोई भी हो, और षड्यंत्र में जो है समाज का दुरुपयोग सदुपयोग करता है। आप पूरा उत्तर प्रदेश घूम चुके हैं जी, कितनी उम्मीद है आपको कि परिवर्तन आएगा? देखिए, हमेशा परिवर्तन हम लोग करते हैं लेकिन बिना रणनीति का परिवर्तन नहीं होता है। यदि आप राजनीतिक रूप से सक्षम नहीं है तो राजनीति करने का कोई मतलब नहीं होता है, राजनीति के बिना राजनीति सक्षम बनी। सामाजिक परिवर्तन के बिना अगर राजनीतिक परिवर्तन हो गया तो स्थायी होगा वो? मैंने बहुत पहले बोला था कि समाज बनाओ, राज तुम्हारे पैरों में होगा, जिसका समाज नहीं होता उसका राज नहीं होता है। और इस बात को अब लोग महसूस करने लगे हैं 20 साल के बाद, तो हम समाज बनने की तरफ बढ़े हैं, बढ़ रहे हैं लोग, पूरा सोशल इंजीनियरिंग हो रही है और बिल्कुल जागरूकता आ रही है, है ना। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप। तो अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे जो मेरे न्यू वीडियो है वो आप